अवेयर ऑफ द मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। फर्स्ट उसकी क्या थी मोटिवेशनल नीड, क्या थी हमारी फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। जस्ट इमेजिन द चिल्ड्रन हु आर डिपेंडेंट ऑन दीज बेसिक नीड्स, हाउ दे कैन इवन फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, दे डोंट नो द राइट टू एजुकेशन एंड द मेनी अदर लॉस। सो दिस लेडी इज मेकिंग देम अवेयर अबाउट द लॉस एंड शी इज फाइटिंग फॉर देम, एंड शी हैज इवन हैंडल्ड मोर देन 700 सच काइंड ऑफ केसेस फॉर द चिल्ड्रन ओनली। सो आई एम सो मच थैंकफुल टू यू मैम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट एंड फ्रॉम द कोर ऑफ आवर सोसाइटी that people like you are very less. We need more and more women like her. And here there are, you can be inspiration for my girl children. So that tomorrow they know how to serve the society in a better way. श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड आईटी संस्थान के सभागार में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बोलते हुए प्रोफेसर नवनीत कौर ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के लिए आर्थिक और शैक्षणिक पहुंच, अवसरों की रक्षा और विस्तार के लिए महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर नवनीत कौर ने कहा कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष एस चड्डा जी, जसवीर सिंह जस्सी जी सह अध्यक्ष के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के कारण इस प्रकार का आयोजन संभव होता है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय एडवोकेट सुश्री शीतल रघुवंशी थी। एनजीओ विद ए स्माइल के द्वारा अतिथियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। आज डॉक्टर नवनीत कौर, डायरेक्टर ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड आईटी। टुडे आई एम सो मच ऑनर्ड दैट अ टीम फ्रॉम विश अ स्माइल विच इज हेडेड बाय मिस्टर रजिंदर सिंह अरोड़ा जी, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आई एम ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल टू मिस शीतल रघुवंशी जी, हु इज़ अ वेरी बडिंग लॉयर एंड a legal consultant. She is also a member of Delhi High Court Union also, and I am so much thankful to her for sparing her valuable time and educating the masses, my students, who were really unaware of the sexual harassment at the workplace, the various laws associated to it and the actual meaning of sexual harassment. She has educated the masses, and their organization NGO is running from the last so many years, and they are imparting such kind of educations to all the schools and colleges, and that too in a very charitable form. I'm also thankful to Mr. O.P. Sapraji, who is retired as Delhi Metropolitan Magistrate from Delhi High Court. So I'm also very much thankful to him for sparing his valuable time, and also Mr. Ravneet Singh Arora, who is also a member of Wish Smile organization, NGO organization, which is again founded by Mr. Rajinder Singh Arora ji. So I am thankful this team of four wonderful personalities who are actually doing the Naam Seva, who are actually educating the masses and also serving the humanity at large, so that our students, they can enlighten others, and they should also work on the righteous path for making every able this world a living place, a peaceful and a very living place and an ethical place. Very honorable chairman Sardar MPS Chadda ji and co-chairman Sardar Jasbir Singh Jassi ji, they have always motivated us that we can conduct here such kind of seminars for the betterment of the society at large. Thank you. Main Rajinder Singh Roda, founder president Wish Smile. हम पिछले दो साल से ये संस्था चला रहे हैं। इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है, हम लोग एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल में और लीगल में, एजुकेशन में हम जो गरीब बच्चे हैं उनको जितना हो सके फाइनेंशियल असिस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। स्कूलों में और कॉलेजों में हम कैरियर काउंसलिंग, पर्सनलिटी डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इन स्कूल्स, इन विषयों पर हम अवेयरनेस सेमिनार और लगातार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका हमारे आगे भी कई कॉलेजों स्कूलों में लगातार चल रहे हैं।
इसके अलावा हम लोग मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी लगाते हैं। और लीगल फील्ड में जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं उनके विक्टिम को हम लीगल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर कोई बहुत गरीब है तो उनके केस भी हम लोग फ्री में लड़ते हैं। तो हमारी एक यही कोशिश है कि हम सोसाइटी से जो लिया है उसको दे सकें, और जो हमारी संस्था का नाम है विशेष स्माइल, हमारी कोशिश है कि हम चेहरे पे मुस्कान ला सकें, तो हम समझेंगे हमारी ये छोटी सी कोशिश सफल। जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो एक्ट है, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मटेरियल है उसे कवर करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी एक्ट ही इसलिए लाना पड़ा और आईटी एक्ट में अमेंडमेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव हो गए और अब प्रॉब्लम्स जो है वो खुल के पब्लिकली आ रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एज वेल एज वी नीड सम सोशल मीडिया गाइडलाइंस टू, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट टाइम। And I suppose very soon we'll come up with a public private privacy policy and government of India is working on that thing. बात और दिक्कत आती है, कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है और महिला उत्पीड़न शारीरिक उत्पीड़न से ही नहीं होता है। लोगों का या महिलाओं का मानना है कि जो अब्यूज का जो सिस्टम पूरे देश भर में चल रहा है, कहीं पर साइड नहीं दी जा रही है, तो ये बातें निकल के आती हैं, किसी ने किसी को गाली दी या सब कुछ दिया, तो इस पर भी आप बोलते हैं कि आपने जो इस प्रकार की कार्यशाला जो आयोजित करते हैं एनजीओ की तरफ से, उसमें भी बोलते हैं कि बच्चों को कि इस प्रकार की गाली वगैरह नहीं देनी चाहिए आप लोगों को? हाँ जी, देखिए हम ये बताते हैं कि बहुत लीगल अवेयरनेस कैंप ही हम या सेमिनार्स हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम, उसमें किसी को कुछ गलत नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा दो लड़के आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देके संबोधित करते हैं, वो बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर आप वही बात किसी लड़की को बोलेंगे तो वो ऑफेंडेड फील करेगी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि देखिए आप सिर्फ मुँह से किसी को बुरा कहेंगे या आपने सिर्फ अपने शब्दों से किसी महिला का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न किया है तो यही ज़रूरी नहीं है, आप अपने किसी बॉडी एक्ट के साथ या बिना कुछ कहे भी किसी के साथ मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न कर सकते हैं और वो भी पनिशेबल है। तो हम यही अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें पता चलें कि कौन कौन सी कानूनी जानकारी है जो उन्हें होना चाहिए, कौन कौन सा उनका कैसा कौन सा एक्ट है उनका या ऐसा कौन सा काम है जिसके कारण उन्हें किसी लीगल कॉन्सिक्वेंस का या कानूनी केस का सामना करना पड़ सकता है। इसी के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि आज के युवा इन सब चीज़ों में जागरूक हों और ये जो भ्रांति जो उनके बीच है या अज्ञानता की स्थिति है जिसके कारण कई बार केसेस फाइल हो जाते हैं वो दूर हो सके। थैंक यू सो मच।